हेलो गाइस, कोटलिन के इस ट्यूटोरियल में हम आज बात करने वाले हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था यहाँ पे एरे इन स्ट्रिंग के बारे में, और यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू डिवाइड वेरिएबल्स ए बाई वेरिएबल बी। तो इसके लिए आपको सिंपली इस प्रोग्राम को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है b इक्वल टू जीरो। जब b इक्वल टू आप जीरो कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे डिवाइड वेरिएबल a बाई वेरिएबल b, यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है अभी हम आपको करके बताएंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेक इफ़ द वेरिएबल इन b इज जीरो आर नॉट, इफ़ इट इज़ जीरो टेल द यूजर। यानी कि आपको इसमें इफ एल्स का स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। इसमें हम इफ एल्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम इसको कैसे इसका सिंटेक्स होगा और कैसे इसमें वो इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट में वो हम देखेंगे। तो इसमें हमें इफ एल्स का ब्लॉक लगेगा, तो इफ एल्स का ब्लॉक यहाँ पे आप देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं इफ एल्स का। सबसे पहले इफ कंडीशन लगता है, इफ के अंदर कंडीशन, और उसके बाद सम ऑपरेशन, फिर एल्स स्टेटमेंट लगता है, और उसके बाद यहाँ पे अदर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंटेक्स। उसके बाद से हम इसको यहाँ से अभी हटाते हैं, और उसके बाद इसका जो प्रोग्रामिंग है तो इसका हम प्रोग्रामिंग में करके यहाँ से हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया का जो आईडीई है इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इसको हम प्रोग्राम में लिखेंगे और इसको हम यहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है कोई भी, यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया हुआ था, तो यहाँ से सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से हम इफ एल्स का एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जो प्रॉब्लम वहाँ पे दिया गया था उसी को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे इफ एल्स का कंडीशन कैसे यहाँ पे लिखा जाता है मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया है। इसके बाद से आपको एक फन मेन फंक्शन बनाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू, यहाँ पे जो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो फर्स्ट एक इक्वल टू मैंने जस्ट यहाँ पे दे दिया 10, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं जस्ट लाइक 0, जैसा कि क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया गया था बी इक्वल टू जीरो करेंगे और उसके बाद से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इफ़ कंडीशन लगाना है, और इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको देना है कंडीशन। तो कंडीशन लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया बी इक्वल टू जीरो यहाँ पे देना होता है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे हमें एक न्यू, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे इसके बाद अगर b इक्वल टू जीरो होगा तो क्या प्रिंट हो गया आएगा, वही यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट ln, और यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, यहाँ पे डिवीजन। अगर यहाँ पे इफ़ का जो कंडीशन है वो ट्रू होगा तो आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ से प्रिंट होके आ जाएगा, और ये हमारा स्टेटमेंट अगर रॉन्ग होगा तो हमारे एल्स कंडीशन में आ जाता है। तो एल्स कंडीशन में कैसे आएगा इसके लिए हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर इफ़ का कंडीशन ट्रू होगा यानी बी इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन हमारा ट्रू है, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होके आएगा। अगर स्टेटमेंट हमारा गलत होता है तो यहाँ पे नीचे वाले लूप में आ जाएगा, एल्स वाले कंडीशन में, तो एल्स में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट ln, अगर यहाँ पे रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे प्रिंट ln a डिवाइड बाई b मैंने यहाँ से कर दिया। करने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से सिंपली रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म, यानी कि फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वही हमारा प्रिंट होके आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे पहला वाला प्रिंट है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स होने के बाद यहाँ पे जो नीचे वाला है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स लिखा तो नीचे वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और होने के बाद यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट किया, क्योंकि यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी जब करेंगे तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई जीरो करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन का आंसर, आपको एक एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इस एक्सेप्शन को भी सॉल्व करने का अलग मेथड होता है, तो उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ से देख लेते हैं। डिक्लेयर टू इंटीजर वेरिएबल एंड टेल विच ऑफ देम इज ग्रेटर नंबर, यानी कि इसमें आपको डिफाइन करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेसर है। इस तरह, इस टाइप का एक प्रोग्राम हम यहाँ से करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ओपन कर लेना है इंटेलिजेंट आइडिया को, और बाकी जो प्रोग्राम है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहला वाला कैसे लगाना है। इसको हम यहाँ से सिंपली इसका नंबर जस्ट चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है और कौन सा लोअर नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे a इक्वल टू मैंने दे दिया 10, और वैल्यू यानी वेरिएबल b की वैल्यू यहाँ पे दे दिया 11। उसके बाद से इफ कंडीशंस लगाया, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होके आना चाहिए, प्रिंट ln, प्रिंट ln का मतलब न्यू लाइन में प्रिंट होके आता है वैल्यू।
इसके बाद इफ जो इफ़ के अंदर है वो उसमें हमें कंडीशन पास करना होगा, तो जस्ट यहाँ पे कंडीशन हम पास कर देते हैं। अगर यहाँ पे लिखा बी ग्रेटर देन ए या फिर ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाना है पे हमें लगा देना होता है। तो मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए हमारा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो हमारा जो अभी प्रिंट एलन लिखेंगे ए हमें प्रिंट होके आ जाएगा, तो प्रिंट एलन। तो जितने भी सारे स्टेटमेंट होते हैं वो सारे लैंग्वेज में मैक्सिमम सब सेम ही होता है, बस जो यहाँ पे करने का तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे सारा जो यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं सब कुछ सेम होते हैं, ठीक है। सारी वर्किंग सेम ही रहता है, एक ही तरीके से किया जाता है। तो अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज में अगर आपका कमांड है तो आप सब किसी भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं बहुत ईजिली। तो इसलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज सीखना होता है अच्छी तरीके से। उसके बाद से आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने लिख दिया इफ़ कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो वहाँ पे प्रिंट होके आएगा ए इज ग्रेटर, और अगर हमारा जो कंडीशन है फर्स्ट वाला अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे एल्स वाले कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रिंट कराना है हमें। मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी और ये हमारा हो चुका। अगर फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू रहेगा तो यहाँ पे हमारा ए प्रिंट होके आएगा, और जस्ट यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका, बट यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती की हुई है, उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देखेंगे जो यहाँ पे एल्स का कंडीशन है, यहाँ पे हमें एक कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है और उसके बाद से यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रिंट एलन, तभी जा करके वो हमारी जो वैल्यू है यहाँ से प्रिंट होगी। उसका करेक्ट सिंटेक्स यही होता है। अगर आप सिंटेक्स में गलती करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पे आंसर नहीं आएगा और आपके प्रोग्राम में एरर बताएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट एलन, और उसके बाद से हमें जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक बार हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी हमारा फॉल्स है, यानी दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू है, तो दूसरा वाला प्रिंट होके आएगा यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ए प्रिंट होके आया बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स है और इस वजह से हमारा सेकंड कंडीशन ट्रू है। और सेकंड कंडीशन का मतलब कि अगर ए वाला कंडीशन आपका अगर ट्रू रहेगा यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए मैंने किया, यानी कि या बी इज ग्रेटर देन ए यानी 11 इज ग्रेटर देन 10, तो हमारा प्रिंट होके आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे हम रन करते हैं तो ये मैंने लिमिटेड यहाँ पे चीज़ों के लिए यूज किया जाता है इफ़ एल्स कंडीशन। अगर छोटा सा कोई ऑपरेशन हो तभी आप यहाँ से इफ़ एल्स कंडीशन आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी मल्टीपल में आपको कराना है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको कराना है, तो उसमें आपको यूज़ करना होगा इफ़ एल्स लैडर। यानी इफ़ एल्स लैडर यानी कि मतलब होता है कि उसमें आपको कैसे डिफरेंट डिफरेंट आप इफ़ एल्स कंडीशन लगा के उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम उसको बताएंगे, पहले इस वाले प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यानी कि मैक्स वैल्यू को यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, जिसको हम मैक्स वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम यहाँ से चेक करेंगे अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू वेरिएबल को आपको असाइन करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ से हम इसको असाइन करते हैं। पहले ये सब जो लिखा है इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। फिर तो दो वेरिएबल आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 11। इसके बाद से यहाँ पे हमें मैक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें इसको फाइंड करना है, यानी कि इसका दूसरा मेथड होता है इसको हमें सॉल्व करने का। इसको भी यहाँ से हटाते हैं और सबसे पहले इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है। कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी अगर फर्स्ट वाला कंडीशन यानी ए इज ग्रेटर देन बी अगर ट्रू रहेगा तो यहाँ से हमें प्रिंट हो गया आएगा मैक्स वैल्यू, यहाँ पे हम डिक्लेयर करने इक्वल टू ए डॉट एरे लिस्ट ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मैक्स वैल्यू इक्वल टू ए, यानी कि अगर ए की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन रहेगी तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके आएगी ए, ए इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे एल्स अगर यहाँ पे कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होता है, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी फर्स्ट कंडीशन है, इसमें बस एक ही कंडीशन लगता है, यानी अगर फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे एल्स वाले कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होके आएगा बी। इसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे लगाना होगा प्रिंट एलन मैक्स, और यहाँ पे मैक्स जो हमें मैक्स वैल्यू है वही हमें यहाँ से प्रिंट होके चाहिए। तो आपको यहाँ से देख लेंगे और यहाँ से इसके करने के बाद इसको हम यहाँ से रन करते हैं। तो अभी यहाँ से कुछ रेड कलर का आ रहा है, एक कलर का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसको भी यहाँ से डिक्लेयर करना पड़ेगा मैक्स वैल्यू को। तो यहाँ से हम डिक्लेयर कर लेते हैं पहले मैक्स वैल्यू वेरिएबल, और इसको हम ले लेते हैं इंटीजर में, मुझे इसको इंटीजर में वैल्यू में चाहिए, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। उसके बाद से सिंपली इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम
रन करेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एज ग्रेटर देन बी या कंडीशन हमारा फॉल्स है, तो फॉल्स होने के बाद आपको एल्स कंडीशन में आ जाएगा यानी कि बी, यहाँ से आपका आ जाएगा सेकेंड वाला प्रिंट होके बी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स वैल्यू क्या है हमारी बी, तो यहाँ से बी प्रिंट होके हमारा आएगा। इसको हम यहाँ से रन करके चेक करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ से 11 यहाँ से हमारा प्रिंट होके आ जाएगा यानी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 11। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से एफ एल्स कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स कंडीशन से रिलेटेड और सारी इसमें चीज़ें देखेंगे और सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, और उसके बाद से कोई अगर बड़ा ऑपरेशन रहता है तो उसमें इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाना है, और उसके बाद इसमें हम एफ एल्स का लैडर हम पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।